Jaspreet Singh, attorney at law, New York and California. Immigration, deportation, defense, appeals, family law, ate bankruptcy lai sampark karo. More than 17 years of legal experience. Jaspreet Singh, attorney at law. हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारयां नूं। मैं तुहाडा अपना जसप्रीत सिंह अटर्नी एट लॉ। तो जिवें कि तुसीं जाणदे हो कि मैं पिछले 23 साल तो अमरीका दे विच इमीग्रेशन की प्रैक्टिस कर लिया एज एन अटर्नी एट लॉ। मेरे ऑफिसिज ने न्यूयॉर्क, न्यू जर्जी, कैलिफोर्निया दे विच फ्रीमोंट, सैक्रामेंटो ते फ्रिजनो। तो असी बेसिकली इमीग्रेशन ते फैमिली लॉ दे जिहड़े केसिज हैगे उन्हां नाल डील करदे आ। तो मैं हुण काफ़ी लंबा चौड़ा इमीग्रेशन का जिहड़ा हैगा एक्सपीरियंस आ, ते उहदे मुताबिक तकरीबन इमीग्रेशन की हरेक फील्ड दे विच डील कर चुके हैं। ते अज दी जिहड़ी अपनी इह वीडियो आ, इह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विषय बारे आ जिहड़ा कि पिछले वीरवार नूं अमेरिका दे हाउस ऑफ रैप्रजेंटेटिव दे विच US सिटीजनशिप एक्ट 2021 जिहड़ा पेश होया। सो इह एक बहुत अहम एक आप कह सकते हैं कि इमीग्रेशन की फील्ड के डिवेलपमेंट हुई है। कि तुहानू तकरीबन एक गल पता होनी है कि जदों बाइडन अमेरिका के प्रेजिडेंट बने, जदों उन्होंने सहुं चुकी, तो उन्होंने पहले दिन ही जिहड़ा US हाउस है ते सैनेट है उन्होंने यह कहा कि एक बिल इमीग्रेशन लई बनाओ। तो उन्होंने अपना जिहड़े व्यू सीगे उह भेजे, उन्होंने एक अपनी गाइडेंस भेजी कि बिल दे विच की होना चाहिए। उस गल ते अगे अमल करते हुए हाउस ऑफ रैप्रजेंटेटिव दे विच ये जिहड़ा बिल है जिहदा कि नाम है US सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 2021, ये मतलब पेश किया गया। तो हुण सैनेट दे विच भी ये बिल जिहड़ा हैगा वो पेश होएगा। तो ये बिल जिहड़ा हैगा वो इमीग्रेशन दे जिहड़े रिफॉर्म है उहदे नाल डील करदा, तो कई आस्पैक्ट्स नाल डील करदा जिहदे बारे मैं तुहानू अज जानकारी देंगा कि ये की है। हुण कई गल्लां जिहड़ियां इहदे विच मोस्ट इंपॉर्टेंट हैगियां इस बिल दे विच, उहदे सब तो पहला तो यह आ कि जिहड़े अनडाकूमेंटड बंदे ने, जिहड़े बंदे इत्थे बिना ग्रीन कार्ड तो, बिना सिटीजनशिप तो, बिना किसी वर्क परमिट तो रह रहे हैं, जिन्हों असीं कहने आ कि इलीगल ने, तो वो जिहड़े अनडाकूमेंटड बंदे हैगे आ उहनां नूं इत्थे लीगल स्टेटस देण वास्ते इस बिल दे विच प्रोविजन रखी गई है। तो इस बिल दे विच उन्हां वास्ते एक खास कैटेगरी बनाई गई है जिहदा नाम हैगा लॉफुल प्रोस्पैक्टिव इमीग्रेंट स्टेटस, LPI स्टेटस। तो वो LPI स्टेटस दे विच वो व्यक्ति आउणगे जिहड़े कि अमेरिका दे विच January 1, 2021 तो पहला रह रहे ने, ते वो इत्थे अमेरिका दे विच कोई उन्होंने किसी किस्म का क्राइम नहीं किया, कोई अमेरिकन जिहड़ी नैशनल सिक्योरिटी उहनूं थ्रैट नहीं हैगे, ते वो इत्थे विदाउट एनी स्टेटस कि उन्हां कोले ग्रीन कार्ड नहीं, सिटीजनशिप नहीं, H1 वीज़ा नहीं, जां होर कोई इस किस्म का वीज़ा नहीं, उदा रह रहे हैं। तो जां वो इत्थे स्टेटस आए तो आउट ऑफ स्टेटस हो गए, वो जिहड़े इस किस्म के जिहड़े लोग ने वो इहदे विच कवर होणगे। हुण इहदे विच एक होर कैटेगरी है जिहड़ी कवर होएगी, वो ये हैगी आ वी जिहड़े लोकां नूं ट्रंप ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन दौरान 2017 तो लैके 20 दे विच डिपोर्ट किया सी। जिहड़े बंदियां नूं 2017 तो 20 दे विच डिपोर्ट किया गया, लेकिन वो जिहड़े व्यक्ति ने वो अमरीका च डिपोर्ट होने तो 3 साल पहला रहे, उन्हां दी जिहड़ी अमरीका दे विच रेजिडेंस चाहीदी आ 3 साल दी, वो इहदे च कवर होणगे। हुण जे फर्ज करो किसी बंदे नूं 2019 दे विच डिपोर्ट किया गया, तो उहनूं इह शो करना पएगा कि 19 तो 3 साल पहला घट्टो घट्ट अमरीका दे विच सीगा। सो जिहड़े दी जिहड़े बंदे दी अमेरिका दे विच रेजिडेंसी जिहड़ी आ वो डिपोर्ट होने तो पहला 3 साल की बनती है, वह भी इस बिल के अंडर ये जिहड़ा LPI स्टेटस है ये लै सकेगा तो इत्थे आ सकेगा। पर जिहड़े व्यक्ति ट्रंप के कार्यकाल दौरान आए, आके इत्थे 6 महीने जां साल रहे जां 1.5 साल रहे, मतलब कैंपां विच रहे जां जिहड़ी इमीग्रेशन डिटेंशन च रहे जां किवें भी आ, तो डिपोर्ट हो गए, वो इहदे विच नहीं आ सकणगे क्योंकि उन्हां दी स्टे जिहड़ी आ वो डिपोर्ट होने तो पहला 3 साल की नहीं बनती। सो इस बिल दे विच कवर होने लई जरूरी आ भी जिहड़ा भी व्यक्ति 2017 तो लैके 2020 तक डिपोर्ट होया वह अमरीका दे विच डिपोर्ट होने तो पहला 3 साल रहा होवे। ते इहदे नाल नाल जिहड़ी होर अगली गल है वह ये आ भी किहड़े व्यक्ति इहदे विच इनकलूड नहीं होणगे कि जिहड़ा LPI स्टेटस है इहदे विच कौन वह बंदे ने जिहड़े कि इहदे विच शामिल नहीं होणगे। उहनां दे विच सब तो पहला
तो जो अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर जे किसी ग्रीन कार्ड इतने मिले वो ये अप्लाई नहीं कर सकेगा। दूसरे हैगे सैली जिदा सैलम का केस पास होया, सो जिहड़े व्यक्ति ने सैलम किया पास हो गया अप्रूव हो गया तो वह अपने ग्रीन कार्ड दी वेट कर रहा, जां जे ग्रीन कार्ड नहीं भी उन्हें अप्लाई किया वो ये नहीं आ सकेगा। इतने मैं एक गल दस दें भी जिहड़े व्यक्तियों के सैलम के केस चल रहे ने पेंडिंग ने, चाहे वह सैलम ऑफिस चल रहे हैं अजे इंटरव्यू नहीं आई, चाहे वह अड अड कोर्टा में चल रहे हैं उन्होंने मास्टर हेयरिंग डेटा ने जां फाइनल डेटा पैन वाली ने जां किसी की अपील चलती है, वो जिहड़े व्यक्ति ने उस कवर होणगे। सिर्फ वो कवर नहीं होणगे जिन्हां नूं सैलम ग्रांट हो गया, जिन्हां दा सैलम दा केस पास हो गया, जिहदा सैलम दा केस पेंडिंग है वो व्यक्ति इस ला थले कवर्ड है तो वह एल पी आई स्टेटस लै सकेगा। इस तो अलावा वो व्यक्ति कवर नहीं होणगे जिहड़े कि नॉन इमीग्रेंट वीजे ते इत्थे वैलिड स्टेटस ने, जिवें कि एच वन, जिवें कोई बंदा एच वन वीजे ते आ जां एल वन वीजे ते आ जां स्टूडेंट वीजे ते भी आ जिहदा स्टेटस वैलिड है वो इहदे विच कवर नहीं होएगा। लेकिन उन्हां वास्ते होर ऑप्शनस रखियां गईयां ने जिहड़ी इस बिल दा हिस्सा हैगा, इमीग्रेशन जिहड़ी कि इकनोमिक साइड नाल डील करदी आ कि जिहड़े ये वीजे ने इन्हां नूं ग्रीन कार्ड जिहड़ा फास्टर मिल सके, लेकिन इस बिल दे विच वो कवर नहीं होणगे क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा स्टेटस है वो अजे हैगा ते वो नॉन इमीग्रेंट स्टेटस दे विच आउंदे ने। बाकी जिहड़ी डिटेल आ वो दसी जाएगी, वो डिटेल दे विच जिवें जिवें डिटेल आएगी उवें पता लगेगा, पर फिलहाल वो ये कवर नहीं होणगे। तीसरे जिहड़े हैगे होर बंदे कवर नहीं होणगे वो हैगे जिहड़े बंदे ने क्राइम किए ने, जिन्हां ने इत्थे कोई जिन्हां दे खिलाफ फैलनी लगी आ जां जिन्हां ने अमरीका दे विच कोई संगीन जुर्म किया वो भी इहदे कवर नहीं होणगे। इस तों अलावा जिहड़े नैशनल सिक्योरिटी नूं थ्रैट होणगे, जिहड़े व्यक्तियां दा इत्थे टैररिज्म नाल जां इदां दे कम्मां नाल संबंध आ वो भी कवर नहीं होणगे। इहदे नाल नाल जिन्हां दे चाइल्ड अब्यूज़ दे एलीगेशन ने, बच्चों नूं अब्यूज़ करन दे, वह भी कवर नहीं होणगे। जिन्हां ते एलियन समगलिंग दे एलीगेशन ने, जिवें कोई इदां दे व्यक्ति ने जिन्हां ने कि इत्थे किसी नूं इलीगल लिआंदा होवे जां उत्ते चार्ज लग्गिया एलियन समगलिंग दा, वह भी व्यक्ति इहदे विच कवर नहीं होएगा। उहदे नाल नाल वह व्यक्ति भी कवर नहीं होणगे जिहड़े कि इत्थे अमरीका दे विच उहनां दे उत्ते कोई संगीन जुर्म जां उहनां दे उत्ते फैलनियां लग्गियां ने जां उस किस्म दा जिन्हां दा रैकड आ वह इहदे विच शामिल नहीं होणगे। बाकी जिहड़ा भी व्यक्ति इस प्रोग्राम दे अंडर अप्लाई करेगा उन्हूं यह जिहड़ा एल पी आई स्टेटस है 6 साल लई दित्ता जाएगा, जो कि एक बार रिन्यू हो सकता। सो पहला 6 साल लई, फिर 6 साल लई, ते 5 साल वास्ते वह व्यक्ति 5 साल बाद व्यक्ति ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकेगा। सो जिहड़ा पहला उन्हूं एल पी आई स्टेटस मिलेगा इहदे विच वर्क परमिट मिलेगा, आउण जाण की परमिशन मिलेगी, वह अपनी कंट्री जिवें कि इंडिया जां होर जिहड़ी भी कंट्री है उत्थे आ जा सकदा। उहदे नाल नाल 5 साल बाद जे उह जिहड़ा व्यक्ति आ उह अपने सारे बैकग्राउंड चैक क्लीयर करदा, उह इत्थे फाइन पे करदा जिहड़े मतलब सरकार रखेगी, अपने टैक्सिस पे करदा, ते उह फिर ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकेगा। ते जदों उहनूं ग्रीन कार्ड मिलेगा, ग्रीन कार्ड लैण तों 3 साल बाद उह व्यक्ति जिहड़ा उह सिटीजनशिप लई अप्लाई कर सकेगा। ते इहदे नाल नाल जिहड़े उहदे वाइफ स्पाउस जां हसबैंड ते बच्चे इत्थे ने वो बच्चे भी ये कवर हो सकते हैं जो इतने ने अमरीका दे विच। ते इहदी इह शर्त है कि यह जिहड़ा व्यक्ति जो भी इहदे अंडर अप्लाई करेगा उहदी अमरीका दे विच प्रेजेंस चाहीदी है 1 जनवरी 2021 तो पहला। ते जदों अप्लाई करना, जदों ये बिल पास होया, ला बनिया, फार्म आ गए, जदों भी अप्लाई करनगे उदों भी इत्थे प्रेजेंट चाहीदा। इहदे नाल नाल जिहड़ा ये एक्ट हैगा इहदे विच डील किया गया जिहड़े कि डाका दे अंडर बच्चे आउंदे जिहनूं असीं इत्थे ड्रीमर कहिंदे आ, यो बच्चे ने जिहड़े कि अपने माँ बाप दे नाल अनडाकूमेंटड आए, इत्थे स्कूल च गए, इत्थे कॉलेज दे विच गए, लेकिन उन्हां कोले कोई ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप कुछ नहीं। उन्हां जिहड़े मतलब बच्चों डाका प्रोग्राम दे अंडर एनरोल किया गया प्रेजिडेंट ओबामा द्वारा, मुड़ के वह कंटिन्यू होया, प्रेजिडेंट ट्रंप ने वह डाका प्रोग्राम खत्म किया, मुड़ के कोर्ट च गया, कोर्ट ने स्टे किया, फिर पिछले साल समर दे विच जिहड़ी US सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भी यह प्रोग्राम गलत तरीके नाल एंड किया गया, तो इहनू तुसीं इस तरीके नाल एंड नहीं कर सकते, प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। सो वो डाका प्रोग्राम जदों हुण प्रेजिडेंट बाइडन बने इन्हां ने दुबारा रीइंस्टेट करता। सो जिहड़े भी व्यक्ति उहदे विच एनरोल होए ने वह सारे राइट वे ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकणगे इस एक्ट के मुताबिक, उन्हां नूं 5 साल वेट करन दी लोड़ नहीं। इस तों बाद जिहड़े एग्रीकल्चर वर्कर ने, जिहड़े कि एग्रीकल्चर जिहड़ा वर्क प्रोग्राम है अमरीका दा, उहदे विच जिन्हां ने एनरोल होए ने, जिन्हां नूं कि उहदे वीजे मिले ने, वह इत्थे काम कर रहे ने, वह भी ग्रीन कार्ड लै सकणगे, उन्हां नूं वेट करन दी लोड़ नहीं 5 साल। इस तों अलावा जिन्हां कोल TPS स्टेटस हैगा, जिहड़ा TPS स्टेटस आ वो इंडिया दे जिहड़े बंदियां कोल नहीं हुंदा, वह कई कंट्रीज़ हैगियां जिवें लाइबेरिया जां होर आ, उन्हां कोल जिहड़ा हैगा टैंपररी प्रोटैक्टड स्टेटस हुंदा, जिहड़े उहदे अंडर आउंदे ने
वह भी ये अंडर कवर होणगे, लेकिन उन्होंने भी 5 साल वेट करन दी लोड़ नहीं, राइट वे ग्रीन कार्ड अपलाई कर सकते हैं। इस तों अलावा ये विच एक होर बड़ी इंपोर्टेंट गल आ, वह आ कि जिहड़े पोलिटिकल सैलम का कोई केस करदा उहनूं अमरीका च एंटर होण दे साल दे अंदर अंदर करना पैंदा, जे वह साल दे अंदर नहीं करता तो वह पोलिटिकल सैलम की रिलीफ अपलाई नहीं कर सकता, विदहोल्डिंग ऑफ रिमूवल या प्रोटैक्शन अंडर कैट की रिलीफ अपलाई करता, जिहदे अंडर के उहनूं इत्थे रहण की परमिशन मिल सकती है, वर्क परमिट मिल सकता, पर उहनूं इत्थे ग्रीन कार्ड नहीं मिल सकता। जे सैलम वह विदिन 1 ईयर करे वह ग्रांट हो जाए, सैलम तो बाद ग्रीन कार्ड मिल सकता। वो जी 1 साल की बार है भी साल के अंदर सैलम करना, यह बिल वो बार नू खत्म करता। सो जे बिल पास होंदा तां ये लिखा गया कि कोई भी बंदा सैलम जे उन्हों आए नू साल तो उपर भी हो गया, 2 साल 4 साल 5 साल भी हो गए, वह भी कर सकता। इस तो अलावा एक होर इंपोर्टेंट प्रोविजन आ, वो ये आ कि जे कोई इतों डिपोर्ट होया उत्ते 10 साल की बार लगी है जां 5 साल की बार लगी है, ये तुहानू आम तौर पर जिहड़े बंदे इमीग्रेशन बारे अमरीका की जानते उन्होंने पता ही है भी जदों इतों किसी डिपोर्ट किया जाता तो वो उत्ते बार लगती है कि 10 साल अमरीका नहीं आ सकता या 5 साल नहीं आ सकता, वो जी बार जिनी देर वो बार टुटती नहीं उन्नी देर तक इतने नहीं आ सकता, वो बार नू खत्म किया गया। इस कानून के जी प्रोविजन रखी गई है कि जी 10 साल से 5 साल की बार है वह खत्म की जाएगी, तो हूँ बार जी जो खत्म होगी तो वह बंदे एकदम आ सकेंगे, तो इस एक्ट के अंडर भी आ सकेंगे जोड़े बंदे कि जो डिपोर्ट जो 17 तो 20 हो तो अमरीका 3 साल ही रहे उस तो पहला जां जिहड़े इत्थे ने उन्हां नूं भी उहदा फायदा होएगा। इहदे नाल नाल इहड़ा बिल आ इह जिहड़ियां फैमिली इमीग्रेशन दीआं कैटेगरीज ने जिन्हां दे विच के असी F4 कैटेगरी होगी US सिटीजन दे भैण भरा दी, बाकी US सिटीजन दे जिहड़े हैगे मैरिड बच्चों की होगी जां US सिटीजन दे अनमैरिड बच्चे ओवर 21 होगी, जिहड़ियां इह कैटेगरीयां ने इहनां दी भी जिहड़ी लिमिट आ वधाई जाएगी, जिन्हां वीज़ा नंबर आ इनक्रीज़ कीते जाणगे। तो इहदे नाल नाल इह कीता गया इहदे विच कि जिहड़े बंदियां दी जिहड़ी पटीशन है हुण किसी ने फैमिली पटीशन इत्थों अपने भरा भैण जां माँ बाप जां फर्ज करो जिहड़े माँ बाप ने मैरिड बच्चों की कीती है सिटीजन होके जां भैण भरा ने अपने सिटीजन होके भैण भरा की कीती है, जिहड़ियां इस किस्म दीआं कैटेगरीआं जिन्हां नूं बहुत साल लगदे आ, जे पटीशन अपरूव होई नूं 10 साल हो गए होण तां उह बंदियां नूं इत्थे आउण दा मौका मिलेगा, तो उन्हां नूं इत्थे आ के वह अपना ग्रीन कार्ड लै सकणगे, उन्हां नूं ज़्यादा वेट की लोड़ नहीं। ये बहुत अहम है क्योंकि अज कल जिहड़ी F4 कैटेगरी उहनूं 15 साल लग रहे हैं, उत्थे हुण मार्च 2005 चल रहा हुण उत्थे तुहानूं पता ही है कि बैन लग्या जिहड़ा कि ट्रंप ने पहला लाया अप्रैल तो लैके जून तक, फिर लाया जून तो दिसंबर तक, फिर उही बैन वह जाण लग्या एक्सटेंड कर गया मार्च 31 तक, वह बैन नूं अजे तक प्रेजिडेंट ट्रंप ने रिवोक नहीं किया, स्टिल लग्या होया, तो यह उम्मीद हैगी है भी इहनूं एक्सटेंड नहीं करनगे। सो जे वह बैन एक्सटेंड नहीं करते प्रेजिडेंट मतलब बाइडन वो बैन नू जे वह एक्सटेंड नहीं करते तो 1 अप्रैल तो यह सारे कैटेगरियां शुरू हो जाएगियां, तो इन कैटेगरियां की कई की वेट जी 15-15 साल आ। सो ये बिल कह रहा कि जे किसी पटीशन अपरूव हुई 10 साल हो गए होण तां वह इत्थे आ सकदा, यह भी एक बहुत अहम इस बिल दे विच जिहड़ी है वह प्रोविजन है। फिर ये जिहड़े हैगे H1 वीज़ा वगैरह उन्हां वास्ते काफ़ी ज़्यादा जिहड़ी आ वह राहत दी गई है, उहदा सिस्टम जिहड़ा हैगा उहनूं होर इंप्रूव किया जाऊगा ताकि उत्थों H1 तो बाद जे किसी ने ग्रीन कार्ड करना तो उहनूं काफ़ी किस्म दीआं सहूलतां हैगीआं। इहदे ते जिहड़े न्यूमेरिकल कैप हैगे आ फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड दे, जिवें कि हरेक जिहड़ी कैटेगरी आ उहदा एक वीज़ा नंबर अवेलेबल होंदे ने भी इन्ने वीज़े इशू करने आ, उहनां वधाया जाऊगा जिहदे करके कि ये सारिया कैटेगरियां तेज़ हो जाणगीआं। ये भी एक बहुत इंपोर्टेंट जिहड़ी हैगी प्रोविजन हैगी आ। ते बाकी ये आ कि ये जिहड़े बिल आ ये जिहड़े परमानेंट मतलब पार्टनर्स ने उन्हां नूं भी स्पोंसर कर सकेगा इमीग्रेशन बेनीफिट लई, जो कि आपो अपनी कंट्री दे विच मैरी नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका दे विच जिहड़ी सेम सैक्स मैरिज अलाउड आ, ते जे उन्हां मुल्कां दे विच ओह नहीं अलाउड जिथों आना तो उन्हां नूं वीज़ा आउण लई जिहड़ा हैगा ओह दिता जाऊगा ताकि इत्थे आके वह विआह कर सकन। यह भी एक चेंज है इंपोर्टेंट इस दे विच। बाकी ये आ कि जिहड़ी मतलब US सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट आ उहदे विच भी काफ़ी चेंजेस ने। इहदे च ये आ कि जे कोई बंदा अमरीका दे विच रह रहा ग्रीन कार्ड होल्डर आ तो उहदी उम्र 65 साल तो उत्ते आ ते उहनूं जिहड़े हैगे आ ओह ग्रीन कार्ड मिले नूं तकरीबन जे उहनूं 5 साल तो उपर हो गए तो 65 साल तो उपर आ तो उहनूं जाने कि इंग्लिश दे जिहड़ी रिक्वायरमेंट हैगी आ ਉਹ ਟੈਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹ ਵੇਵ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
तो जिहदी उम्र हैगी 60 साल तो उन्होंने जो 10 साल हो गए ग्रीन कार्ड मिले वो भी जी इंग्लिश दे टैसट देने की लड़ नहीं अपनी लैंग्वेज वो जो टैसट हों सिटनशिप का वो दे सकेगा। ये बहुत बड़ी जी है वह ये चेंज आ। एक होर वड्डी चेंज आ वो हैगी कि जिहड़ी ग्रीन कार्ड होल्डर हुण अमरीका दे विच आपां सिटीजनशिप लई अपलाई करदे आ उदों ये हुंदा वी 5 साल हो गए हुण ग्रीन कार्ड उहनूं मिले नूं। ये जिहड़ा एक्ट आ ये 5 साल तो चेंज करके उहनूं 3 साल करदा कि जिहड़ा हुण सिटीजन है वह जिहड़ा हुण ग्रीन कार्ड होल्डर आ जे उहनूं 3 साल हो जाण ग्रीन कार्ड ते वह सिटीजनशिप अपलाई कर सकेगा। हुण फिलहाल 5 साल आ जिहड़ा 3 साल आ उहनां लई आ जिहड़े US सिटीजन आ मैरिड ने ते मैरिड ठीक ठाक जिहड़ी मैरिज चल रही आ। सो अज जे कोई बंदा सिटीजन आ विआह करदा तो वो मैरिज जी चल रही है तो जो सिटीजन बने वो हसबेंड या वाइफ में भी 3 साल तो उपर हो गए वो 3 साल बाद कर सकता बाकी सारे 5 साल बाद कर सकते हैं। ये पीरियड घटा के 5 तो 3 साल का करता। सो इस करके जड़ा मतलब बिल है ये काफ़ी ये वड्डिया चेंजेस ने जिहड़ियां इमीग्रेशन के हक च ने। तो मैं जिवें तुहानूं दस्सिया ही आ वी पिछले 23 साल तो इमीग्रेशन की जिहड़ी प्रैक्टिस कर रहे अमरीका एज़ ए अटर्नी तो मैं इदां दा बिल अज तक नहीं देखिया। तो ये जदों रेगन ने प्रेजिडेंट रेगन ने एमनेस्टी की थी उस तो बाद 1987 उस तो बाद पहला बिल है जिदे विच के इन्नी डिटेल दे विच इन्हां कैटेगरीज़ नूं जिहड़ा डील किया गया प्लस जिहड़े अनडाकूमेंटड बंदे ने उन्हां बारे भी सोचा गया। पर इत्थे मैं एक गल कहनी चाहुंदा कि ये जिहड़ा बिल है अजे कानून नहीं बनिया। सो इस करके अजे तां पेश होया इहदे विच कई किस्म दीआं अमेंडमेंटां होणगीआं ते कई किस्म दा इहदे विच कढ़िया जाएगा कुछ पाया जाएगा। तो यह भी हो सकता है कि समुचे रूप दे विच बिल ना पास हो सके तो इनू पीसिस दे विच करके पास किया जाए भी जिवें जिहड़े डाका वाले बच्चे आ उन्हां दा अड पास किया जाए एग्रीकल्चर वर्करस दा अड किया जाए जिहड़ियां आ वीज़ा कैटेगरियां जिहड़ियां फैमिली कैटेगरियां ने जिन्हां बारे मैं दस्सिया भी उह भी जे 10 साल तो उत्ते हो गए अपरूव होए नूं तां उह आ सकणगे इहनां दा अड किया जाए। इस तरह अलग अलग तरीके नाल भी कर सकदे आ। इह जिहड़ा बिल है इह हाउस दे विच पेश होया ते इह हुण जाने कि सैनेट दे विच पेश होणा। इहदे प्रोसीजर यह हुंदा वी जदों वी बिल पेश हुंदा जिहड़ी हाउस ते सैनेट की एक जुडिशरी कमेटी बनी हुंदी आ उहदे कोले बिल जांदा वह जुडिशरी कमेटी जिहड़ी आ वह फिर इहदे उत्ते जिहड़ी आ वह बहस करदे ने इहदे उत्ते एक्सपर्ट्स नूं वी बुलाउंदे ने हेयरिंग्स रखदे ने ते उह कई वारी सब कमेटी भी एक बना दिंदे आ। उहदे विच कोशिश कीती जांदी आ कि जिहड़े दोन्ने पार्टियां ने रिपब्लिकन ते जिहड़ी हैगी डेमोक्रेटिक उहदे जिहड़े लीडर ने उहनां दे नाल गल्लबात करके तां कोई जिहड़ा हैगा मिडल ग्राउंड लभिया जाए क्योंकि जिहड़ी जुडिशरी कमेटी हुंदी आ उहदा जिहड़ा चेयरमैन हुंदा उह तां हमेशा मजोरिटी पार्टी दा हुंदा लेकिन जिहड़े ओपोजिशन पार्टी आ उहदे मैंबर वी उहदे च हुंदे आ ते बड़े सीनियर ते रैंकिंग मैंबर हुंदे ने ते आम तौर ते उह हुंदे जिहनां दा लीगल बैकग्राउंड आ जिहड़े वकील हुंदे आ। सो इस करके जदों कोई भी बिल जिहड़ा उह जुडिशरी कमेटी चों अप्रूव हो जांदा उह फिर हाउस दी जिहड़ी फुल वोट ते सैनेट दी फुल वोट ही रख्या जांदा। जे फुल वोट दे विच उह बिल पास हो जांदा तां फिर उस बिल नूं जिहड़ा है उह प्रेजिडेंट कोल भेजा जाता। पर जे जिहड़ा हाउस ने बिल पास किया सैनेट ने पास किया उस फर्क है फिर दोनों की जिहड़ी रीकंसीलेशन की जाती है कई बार जॉइंट मीटिंग बुलाई जाती है दोनों की तो वह करके पास करके उन्हें प्रेजिडेंट कोल भेजा जाता प्रेजिडेंट साइन करता फिर वह लॉ बन जाता। तो हुण देखने वाली गल यह आ कि इस बिल दे विच जिहड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है उसकी जिहड़ी हैगी लीडरशिप तो शामिल आ जिन्हें भी लीडर ने पार्टी दे चाहे वह मजोरिटी लीडर शूमर ने चाहे नैन्सी पलोसी ने हाउस दे विच वह सारे दे नाल सहमत ने तो लीडरशिप का नाल आ लेकिन बाकी पार्टी के जिहड़े होर मैंबर ने वो किन्ने क नाल ने क्योंकि एक एक वोट जिहड़ी हैगी अहमियत रखती आ ते प्लस जिहड़ी रिपब्लिकन पार्टी आ उहदे जिहड़े लीडर्स ने जां उहदे मैंबर्स ने उहनां दा की इहदे ते स्टैंड आ अपोज ऑफकोर्स ये जिहड़ा बिल इन्ना वाइड आ कि इन्ना ज़्यादा इमीग्रेशन के हक च आ जिहनूं कि कदे भी जिहड़ी रिपब्लिकन पार्टी की लीडरशिप एक्सैप्ट नहीं करेगी इहदी विरोधता होएगी। वह कहणगे जी ये तां अमनेस्टी आ इन्होंने तो बार्डर खोलते ये बिल पास होने नाल ते एक मिलियन बंदा बार्डर ते आके बह जाएगा इदां दीआं गल्लां करनगे लेकिन असलीयत ये नहीं है। असलीयत ये जिहड़ा बिल है वह इहो जिहा कुछ नहीं करता भी बार्डर खोलता जां इदां दा कुछ ये बिल जिहड़ा इत्थे हकीकत नूं डील करता क्योंकि ये रीयल प्रॉब्लम्स ने जिहड़े 11 मिलियन बंदा इत्थे रह रहा जिन्हें कोई क्राइम नहीं किया इन्ने सालों तो ते उहनां नूं एटलीस्ट वर्क परमिट देना आउण जाण दी परमिशन देनी ये बिल्कुल वाजिब है। प्लस जिहड़ियां फैमिली कैटेगरीज ने जिन्हां नूं 15-15 साल हो गए वेट करदे आ उहनां नूं इत्थे जे 10 साल बाद आउण दी परमिशन दित्ती जावे ये भी कोई गलत गल नहीं। डाका दे जिहड़े बच्चे ने इत्थे अमरीका च आए आ उहनां दा कोई कसूर नहीं उहनां नूं होर किसे मुल्क दा पता नहीं वो इत्थे सारे जिहड़े ने स्कूल गए ने कॉलेज गए ने उहनां नूं तुसीं किहड़े मुल्क भेजोगे ये एक बहुत वड्डा जुल्म है कि उहनां नूं इत्थों डिपोर्ट किया जाए उहनां नूं तां पता ही नहीं किसी कंट्री का भी कित्थों आए बड़े छोटी छोटी उम्र च आए आ उहनां नूं जे ग्रीन कार्ड मिलदे आ सिटीजनशिप मिलदे आ इहदे च कोई माड़ी गल नहीं। जिहड़े एग्रीकल्चर वर्कर ने
वह अमरीका की इकोनमी इंप्रूव करते हैं, दिन रात वो खेतों से काम करते हैं, तो इतने जिनी प्रोड्यूस हैगी उन्होंने सिर पर होंगी है, तो उन्होंने पक्का करना भी जरा कोई अमरीका के इंट्रस्ट के खिलाफ नहीं। सो कुल मिला के बिल जरा बहुत वधिया इमीग्रेसन के हक च है, पर जी इतने एक एंटी इमीग्रेसन लॉबी है जिन्हों के मतलब किसी वेले प्रेजिडेंट ट्रंप लीड करते, अज भी रिपब्लिकन पार्टी का विंग जो ट्रंप के हक चा लीड करता, वो इस विचारधारा का हैगा कि इमीग्रेसन जी बड़ी रिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, घट होनी चाहिए आ, वो इनू किस तरह लेंदा वो देखने वाली गल आ। लेकिन पास कराने वास्ते टू थर्ड मजोरिटी की लोड़ नहीं हैगी, सिंपल मजोरिटी ना पास हो सकता, तो हाउस के सैनेट के जोड़ा है वह 60 वोटा चाहिए ने, पर जे डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडरशिप चाहे तो वह सिंपल मजोरिटी भी किसी तरीके इनू कर सकती है। तो ये मतलब पास हों तो यह अपने आप के एक बहुत व्डा इमीग्रेसन दे जो अमरीका इमीग्रेसन के कानून है उन्होंने एक वही चेंज होएगी, इमीग्रेंट्स के हक चेंज होएगी, तो बहुत वधिया चेंज होएगी। तो यह हुण देखने वाली गल है भी किस तरह हुंदा, पर अजे पास नहीं होया इंट्रोड्यूस होया। सो इहदे करके मैं अपने सारे स्रोतियां नूं बेनती करदा कि वह ये ना मतलब समझ लैन भी अमरीका जे कानून बन गया तो सारे पक्के हो जाने, इदां दी कोई गल नहीं, अजे पेश होया बिल, तो गांह गांह तुहानूं जिवें जिवें ये बिल मतलब फरदर एडवांस होएगा जानकारी देंगे भी इहदा की हो रहा, इहदे च की ऐड हो रहा, की कढ़िया जा रहा, किस तरह चल रहा। तो इस तों इलावा जिहड़ी मैं तुहाडे नाल अगली गल करनी आ वह करनी आ कि इस लास्ट वीक दे विच जिहड़ी आईस आ उहदे जिहड़ा एक्टिंग डायरैक्टर ने उन्होंने कुछ जिहड़ियां डायरैक्शन दित्तियां ने आईस नूं भी किहनूं अमरीका चों डिपोर्ट करना किहनूं नहीं करना, वह भी बहुत अहम ने, क्योंकि ट्रंप के कार्यकाल दौरान जिहड़ी आईस सी इहने बहुत लोगों को इत्थों फड़ फड़ के डिपोर्ट किया, तो इहदी एक जिहड़े बेचारे अनडाकूमेंटड इमीग्रेंट्स ने उन्होंने मन दे विच एक जिहड़ा हैगा खौफ पैदा हो गया सी इस एजेंसी का, क्योंकि इहनूं खुली छुट्टी दित्ती सी ट्रंप ने। तो हुण इन्हां ने बाइडन ने आके जिहड़ियां हुण चेंजेस शुरू कीतियां ने करनियां, तो खास करके जिहड़े होमलैंड सिक्योरिटी दे नवें सैक्रेटरी ने उन्होंने कीतियां ने, तो उन्होंने कुछ जिहड़ियां हैगियां डायरैक्शन जारी कीतियां ने कि किहड़े बंदिआं नूं रिपोर्ट करना किहनूं नहीं करना। तो उन्होंने डायरैक्शनस का मैं तुहानूं मेन दस दिंदा कि उन्होंने कहा कि सिर्फ जिहड़ी आईस आ वह तीन कैटेगरी के जिहड़े बंदे ने उन्होंने इत्थों रिपोर्ट करेगी। पहले जिहड़े कि अमेरिका की नैशनल सिक्योरिटी नूं थ्रैट ने, जिहड़े बंदे इत्थे टैररिज्म वाले काम च ने जां किसी फॉरन कंट्री की जिहड़े एजेंट ने जां इस किस्म के काम करते हैं जो कि अमरीका के नैशनल इंट्रस्ट के खिलाफ है। दूसरा जिहड़े बंदे बॉर्डर सिक्योरिटी के खिलाफ ने, वह बंदे ने जिहड़े कि इन इहदे विच लिखा गया भी नवंबर 1, 2020 तो बाद अमरीका दे विच एंटर होए ने उन्हां नूं रिपोर्ट किया जा सकता। जिहड़े बंदे नवंबर 1, 2020 तो पहलां दे इत्थे रह रहे हैं 18 चाहे 17 चाहे 15 चाहे 14 च, उन्हां नूं जिहड़ा ये जिहड़े नवीं डायरैक्शनस ने इहदे अंडर रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। तीसरे वह बंदे रिपोर्ट होणगे जिहड़े पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ ने, जिवें कि जिन्हां दा क्रिमिनल रैकड है, जिहड़े कि इत्थे चाइल्ड अब्यूजर ने जां किसी क्राइम के फैलनी के अंदर ने, जां उन्हां दे खिलाफ कोई जिहड़े हुंदे डोमैसटिक वायलेंस जां कोई होर संगीन किस्म के जुर्म जिहड़े ने उन्होंने किए ने, तो उस किस्म के केस चल रहे ने, बड़े संगीन केस चल रहे आ जिन्हां नूं एग्रेवेटेड फैलनी लगी हुई है, जिहड़े उस किस्म के बंदे ने कि आपां कह सकते हैं भी वह बंदे जिन्हां दा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिन्हां दे क्रिमिनल केस चलते हैं बड़े सीरीयस, वह बंदे नूं रिपोर्ट किया जाऊगा। इन्हां तों बिना जिहड़े बाकी होर ने उन्हां नूं रिपोर्ट आईस नहीं करेगी। उन्हां विच कौन ने जिन्हां नूं रिपोर्ट नहीं करेगी? उन्हां विच एक तां वह व्यक्ति ने जिहड़े कि इत्थे रह रहे ने, कोई क्राइम नहीं किया, कोई उन्होंने बैंक का फ्रॉड नहीं किया, कोई उन्होंने किसी गलत कार्रवाई के जिहड़ी कि अमरीका के इंट्रस्ट के खिलाफ आ उस च शामिल नहीं, लेकिन सिर्फ कसूर यह आ कि डेपोटेशन लग गई, ओवरस्टे कर गए, उन्होंने केस चलते फेल हो गए, वह जे व्यक्तियों इतों रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। सो सिर्फ तो सिर्फ जिहड़े बंदे नैशनल सिक्योरिटी की अमरीका के खिलाफ ने, उन्होंने थ्रैट ने, जिहड़े क्रिमिनल केसा च इनवॉल्वड ने, तो जो व्यक्ति जिहड़े कि नवंबर 1, 2020 तो बाद आए ने उन्हां नूं रिपोर्ट किया जाएगा, पहले नूं नहीं किया जाएगा। बहुत वड्डी राहत है क्योंकि ट्रंप के अंडर जिहड़ा भी काबू आ गया उदों जीरो टॉलरेंस पॉलिसी सी, उन्हूं रिपोर्ट कर दिओ। सो इहदे नाल नाल जिहड़ी एक होर जिहड़ियां इंपोर्टेंट जिहड़ी घटना होई अमरीका की इमीग्रेसन के खास करके सैलम के लिहाज नाल, वो ये आ कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सैलम कोऑपरेटिव अग्रीमेंट्स कीतियां सीगियां तीन मुल्कों के नाल, उन्हां विच सीगा ग्वाटेमाला, एल सैलवाडोर ते होंडोरस, ते उहदे नाल नाल मैक्सीको दे विच भी कीती सीगी जिहड़ी हैगी आ उह स्टे इन मैक्सीको पॉलिसी। उहदा मतलब इह सी भी जे कोई बंदा इत्थे आउंदा ते उहनां मुल्कां चों लंघ के आउंदा उहनूं उत्थे भेजिआ जावे ते उत्थे रहि के केस लड़े पहलां,
ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੈਲਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਇਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਲੜੋ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਡੇਢ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਓ ਕੀਤਾ ਕਿ 25,000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋਰਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1,000 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮਾਈਨਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਂਸਰ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ 5-6 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੌਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਂਸਰਸ਼ਿਪ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਫੜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਓਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੇ ਟਰੰਪ ਵੇਲੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤੀ ਆ, ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਜੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਰਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੌਂਡ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਸੀਗੀ ਟਰੰਪ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਈਡਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ 9179154142 ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ 7185338444 ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ 5106576444 ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਹੈਗੀ ਆ jpsinghattorney@gmail। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜੇ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਕਲੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਹਰ ਵੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 2021 ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।